श्री रामचरण पादुका यात्रा 25 दिसंबर को खंडवा जिले के मुंदी स्थित निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी के निर्माण स्थल से प्रारंभ हुई और रामचरण पादुका यात्रा आज टांडा बड़ो ग्राम पहुंची। यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल ताशों और पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। श्री रामचरण पादुका यात्रा ग्राम के विभिन्न मार्गों से निकली, जिसका ग्रामीणों ने जगह जगह पूजन कर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस यात्रा का 31 दिसंबर को बड़वानी में समापन भी किया जाएगा। श्री रामचरण पादुका यात्रा के संयोजक शंभु सिंह मनहर द्वारा बताया गया कि यात्रा राष्ट्र और धर्म जागरण के लिए भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या की रथ से निर्मित चरण पादुका को अयोध्या से श्रीलंका ले जाकर पूजित करने के बाद पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करते हुए यह चरण पादुका यात्रा खरगोन जिले में पहुंची। वहीं आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इसी को लेकर धर्म और राष्ट्र जागरण को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। एक सप्ताह की सिंगाजी महाराज के निर्माण स्थल से आरंभ हुई है और सिंगाजी महाराज के जन्म स्थल खजूरी तक पहुंचेगी। ये निमाड़ के हमारे प्रमुख चारों जिलों को जोड़ने वाली यात्रा है। यूं कह सकते हैं कि ये निमाड़ को जोड़ने वाली यात्रा है। सिंगाजी महाराज 500 वर्ष पहले हुए, उनका जन्म बड़वानी जिले में हुआ। आज के दृष्टिकोण से तो उन्होंने जीवित समाधि ली थी हमारे खंडवा जिले की मुंदी के पास में। तो इस प्रकार से सिंगाजी महाराज का स्मरण के साथ में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इस यात्रा के साथ में है। ये जो चरण आप देख रहे हैं इसमें रखे हुए, ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर की खुदाई हेतु जो हमारे रज प्राप्त हुई पावन रज, उस रज से निर्मित शास्त्रोक्त ये चरण है, जिनका श्रीलंका में जाकर के पूजन अर्चन अशोक वाटिका में हुआ। फिर भारत वर्ष में 11,000 किलोमीटर की यात्रा करके 2 माह की यात्रा वो हम लोगों ने पूरी की। अयोध्या में रामलला की मूर्ति से इन चरणों का स्पर्श करवाया पुनः, और ये रामलला के रूप है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पेंजरिया, कभी तुलसी ने लिखा होगा, राम जी जिस मिट्टी में खेले, जिसमें बड़े हुए, गिरे होंगे, उठे होंगे, कौशल्या माँ दौड़ के और वापस उठाया होगा, उस पवित्र रज से निर्मित है, रामलला की जन्मभूमि से निर्मित ये रज है, जो जिनसे निर्मित ये चरण आपके सामने है। इनका दर्शन करें और इस यात्रा का आनंद उठाएं। सामाजिक समरसता, राष्ट्र जागरण, 22 जनवरी को रामलला अपने घर में अयोध्या में विराजेंगे, तब हर हिंदू का घर, हर सनातनी का घर अयोध्या जैसा आनंदित होना चाहिए, मांगलिक होना चाहिए। रंगोली सजाएं, दीपक जलाएं, और एक भी हिंदू का घर उस दिन ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ दीपक न जल रहे हो। जगमग दीपावली पूरी दुनिया ही नहीं, आकाश से देवता भी निहारे गए उस दिन भारत वर्ष को, कि आज प्रभु श्री राम अपने अपने घर में पधारे। जय जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।